सच्चा दानवीर। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, मैंने आज तक संसार में बड़े भ्राता युधिष्ठिर जितना दानवीर कोई दूसरा नहीं देखा। श्री कृष्ण बोले, पार्थ यह तुम्हारा भ्रम है। इस दुनिया में कई दानवीर ऐसे हैं जो बिना सोचे समझे मूल्यवान से मूल्यवान वस्तु का दान देने से नहीं हिचकिचाते। श्री कृष्ण की इस बात पर अर्जुन ने आपत्ति की, भला कोई व्यक्ति स्वयं को नुकसान पहुंचाकर किसी को मूल्यवान से मूल्यवान वस्तु का दान क्यों देने लगा। इस पर श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, चिंता न करो पार्थ, तुम्हारा यह भ्रम कुछ समय बाद दूर हो जाएगा। एक ऐसा व्यक्ति तो मेरी ही नजर में है जो कीमती से कीमती वस्तु का दान देने में भी तनिक भी संकोच नहीं करता। समय आने पर तुम्हें स्वयं इस बात का पता चल जाएगा और तुम अपनी धारणा बदल दोगे। काफी दिन बीत गए और अर्जुन इस प्रसंग को भूल गए। बरसात का मौसम आ गया। तब एक दिन श्री कृष्ण और अर्जुन भिक्षुक का वेश बनाकर युधिष्ठिर के द्वार पर पहुंचे। युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम से उनका स्वागत किया। वे भिक्षुक वेश में श्री कृष्ण और अर्जुन को नहीं पहचान पाए। कुछ देर बाद भिक्षुकों ने अर्जुन से सूखे चंदन की लकड़ी मांगी। युधिष्ठिर ने उनकी मांग पूरी करने का प्रयत्न किया, किंतु कहीं पर भी चंदन की सूखी लकड़ी नहीं मिली। इस पर युधिष्ठिर ने असमर्थता जताते हुए कहा, वर्षा काल में चंदन की सूखी लकड़ी मिलना असंभव है। युधिष्ठिर से नाराज होकर श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों कर्ण के द्वार पर पहुंचे और वही मांग दोहराई। कर्ण ने उन दोनों का स्नेहपूर्वक स्वागत किया और बोला, हे विप्रदेव, आप बैठें, मैं कोई ना कोई व्यवस्था करता हूँ। जब कर्ण को भी भरसकर प्रयत्न करने के बाद चंदन की सूखी लकड़ी नहीं मिली तो उन्होंने बिना एक पल गंवाए अपने महल के कीमती चंदन के दरवाजे उतार कर दे दिए। अर्जुन कर्ण की दानवीरता देखकर दंग रह गए।